यूं तो लाहौर पुलिस से जराइम पेशा अपराधी काबू में नहीं आ रहे, लेकिन असलहे का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो भी एक शहर के अंदर लाकानूनियत की बड़ी वजह बनती दिखाई दे रहा है। और अब इलाकों के अंदर जो छोटे मोटे बदमाश हैं वो भी सार उठाना शुरू हो गए हैं और अपनी इलाकों के अंदर इजारादारी को कायम करने के लिए किसी भी शरीफ इंसान की जान लेने से वो नहीं कतराते और पुलिस इन बदमाशों को भी पकड़ने से कासिर है। इसी तरह का इंतहाई अफसोसनाक वाक्या पेश आया जहां पर वार्डन को जो ना सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक को मुनज़िम करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे थे बल्कि ट्रैफिक जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं उनको भी कामों के अंदर सपोर्ट करते थे और उनकी मामलत करते थे, उनको हाल ही में लाहौर में मामूली सी तलकलामी के बाद शहीद कर दिया गया। मोहम्मद काशिफ अमीन अपने घर से बच्चों के लिए सामान लेने के लिए निकले और रास्ते में एक गाड़ी जिसने रास्ते को रोका हुआ था उसको उन्होंने गाड़ी हटाने का कहा तो ड्राइवर जो था वो सीखपा हो गया और उसने अपनी इलाके में इजारादारी कायम रखने के लिए इनको घर से वापस बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये वाक्या कैसे पेश आया और उसके बाद अब तक क्या पुलिस की कार्रवाई की जा सकी है और अहले इलाका और अहले खाना इस कत्ल के बाद कितने गमजदा हैं और इंसाफ के लिए क्या दुआएं दे रहे हैं। मक्तूल की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, वालिद वालदा और दीगर अजीज वकारा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि काशिफ कैसे इंसान थे और इतना बड़ा नुकसान इनका मामूली सी तलकलामी के बाद मुलजमान करके उसके ऊपर इनका क्या कहना है। अंकल एक तो इंतहाई अफसोस और कि आपका बेटा नाहक कत्ल कर दिया गया, आप बताइए कितने बच्चे हैं आपके, काशिफ के बारे में कुछ बताइएगा। दो बच्चे हैं उसके, 5 साल बीवी शादी को हुई है। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटियाँ शादीशुदा हैं, एक बेटा था ये भी शादीशुदा था। काशिफ अकलौते भाई थे? हाँ अकलौते भाई थे, बहनों थे। तो उसने 6 एमए किए हुए हैं। अच्छा। 8 एमए किए हुए हैं, 2 एमफिल किए हुए हैं। पुलिस में आने का कैसे ख्याल आया उन्हें? कोई और भी खानदान में आपके पुलिस में? वो उस वक्त नहीं, पुलिस में वैसे ही आज से 15 साल पहले भर्ती हुआ था। तो उस वक्त से नौकरी शरीफाना तौर पे नौकरी कर रहा था। आज तक किसी से ना गांव में किसी से झगड़ा हुआ मनावे में और ना ही ट्रैफिक पुलिस में उसकी कोई बात है, आप पता कर सकते हैं। आप लोग इस इलाके में कितने अच्छे से रह रहे हैं? 47 से हमारे अजदाद भी इधर रहते थे। उस रोज क्या हुआ अंकल, आपको क्या पता चला? उस रोज तो अपने बच्चों के साथ सामान समूह लेके गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में पास ही तकरीबन 100-200 फीट के गाज पर आगे वो एक डाले वाला था, एक दो आदमी तो इधर के थे तो दो आदमी उसके साथ थे डाले वाले भी। अच्छा। उनसे तू मैं वो रास्ता हटाने से वो रास्ता जो है ना ये छोड़ दो, रास्ता गुजरना होता है, कोई और बात नहीं, कोई लड़ाई इतना लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो उन्होंने बाद में घर आ गया, उन्होंने बाद में फ़ोन किया बात सुन लिया। तो काशिफ पहले गए और वहाँ पे उन्होंने गाड़ी हटाने का क्या, उसके बाद घर आ गए, मुलजमान ने दोबारा उनको घर से दोबारा बुलाया। कितनी देर के बाद? उसी वक्त ही। अच्छा। 5 मिनट का अर्सा गुजरा होगा, 5-7 मिनट का। तो वो गया तो उन्होंने गाड़ी से खोल के पास ही ना थोड़ा सा आ गया, पास ही उन्होंने दरवाज़ा खोल के गाड़ी से निकाला उसे और गोलियों से चलनी कर दिया। 8 गोलियाँ मारी, 2 सर पे लगी थी और 6 दूसरे जिस्म पर। आप लोगों को कैसे प्लान है? उसी ये गांव के लोग हैं ना, एक दूसरे को जानते होते हैं तो उन्होंने बता दिया आके, सब ने आके बता दिया उधर काशिफ को गोलियां मार गया बलवास। तो हम गए तो उसी वक्त वो बहुत हो चुका था मौके पे, अल्लाह का प्यारा हो चुका था। हाँ मौके पे। किन लोगों के खिलाफ आपने पर्चा दर्ज किया? पर्चा दर्ज वो तो एक दो बाटा हैं, कोई एक दो इधर से हैं, हमारे हमसाए ही हैं। नामजद मेरा कर 3 लोग हैं,
मैं तो ठीक नहीं था, वो भाई में दही बना हुआ था और गवाह दो तीन, वो अपने एक दो आदमी गवाह थे। जिन मुल्जमान के बारे में आप बता रहे हैं कि वो इलाके के हैं, उनके इलाके में कैसा किरदार है? अच्छा नहीं। उनका किरदार अच्छा तो नहीं है वो, लेकिन वो जो दूसरे लोगों को बुलाते थे ना, वो बदमाश थे। माँ जी आप बताइएगा, तीन बेटियाँ एक बेटा, अस्सलाम वालेकुम, तीन बेटियों और एक बेटा हो तो बेटा वैसे ही माँ बाप के काफी करीब होता है, हाँ काफी उम्मीदें होती हैं। काशिप के पांच वक्त का नमाजी था, जुम्मे पढ़ता था, घर से मैं नमाज पढ़ रही हूँ, 8 बजे का टाइम है, मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ तो मुझे कहते मम्मी मैं अभी आता हूँ, आप खाना बनाएं। हम खाना बना रहे हैं, मैंने रोटी बनाई ना सालन बनाया, उसकी बीवी बनानी थी, मैंने नमाज पढ़ी है तो एक औरत बाहर से आई है, कहती बाजी मैंने था आपको नहीं पता आपका बेटा कत्ल, मैं कह नहीं वो तो नहीं हुआ, आप ऐसे कह रही हैं, कहती नहीं हो गया, मैं बाहर रही हूँ जूम देखा है तो मैं जमीन पर गिर गई, जब लोगों ने मुझे उठाया है तो मीम भी गिरा हुआ था तो मैं भी गिरी हुई थी, पुलिस हमारे साथ तावन कर रही, लेकिन अभी तक उन्होंने मुजरम नहीं पकड़े, जो हमने तीन मुजरम पकड़ाए ना वो भी पकड़े, फकीर हमारे पास ही रहते हैं मोहल्ले में, बदमाशी टाइप है, उन्होंने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक वो जो बड़े लोग हैं ना अव्यास बाटी जो दूसरे उनको अभी तक नहीं पकड़ा उन्होंने, वो दिन रात फिरे हैं ना, उनको कोई पकड़ता है ना उनके पास कोई जाता है, अगर पकड़े तो मेरे मुझे इंसाफ मिले, जैसे उन्होंने मेरे बेटे को कतल किया ना वैसे मैं कहती हूँ मेरे सामने उनको कतल करें, फिर मुझे पता चले कि वाकई खून का बदला खून है। माँ जी काशिफ के बारे में जिस तरह अभी अंकल ने बताया कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे बचपन से, उनको पहले उसने बीए किया था, बीए करके वार्टन में गया था, उसने खुद ही नौकरी ढूंढी है, हमें नहीं पता, खुद ही उनसे सारे काम किए हैं, बाद में उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, उसने बल्कि ट्रैफिक वार्डन में उसने 8 MA किए हैं, 2 MPhil किए हैं, उसे बहुत शौक था पढ़ने का, अभी तो उसके MA इंग्लिश की अभी डिग्री मिली, वो भी मिली 9 MA की हुई उसने, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं करता था, लोगों पे बहुत रहम करता था, लोगों के साथ बहुत अच्छा, मोहल्ले में गली मोहल्ले हर जगह से उनके साथ बहुत अच्छा रहता था। इन्होंने बुलाया काशो को तो काशो चला गया, लेकिन हमें नहीं पता चला काशो कहाँ गया, अगर मुझे पता होता मैं पीछे चली जाती, मैं देखती कौन है जो इसको गोलियाँ लगा रहे हैं, उन्होंने गाड़ी से उतार के चार से घेरा डाला है 8 लड़कों ने, तो काशो बीच में खड़ा था, वो इधर देखो उधर देखो, मैं क्या करूँ, उन्हें गोली की बसावट कर दी। अकलौता बेटा होने की वजह से कितना करीब था आपको? बहुत ही करीब था मेरे। कभी कोई बताया था कि कोई झगड़ा वगैरह? नहीं नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, आज तक वो किसी के साथ लड़ा ही नहीं है, कभी नहीं उसके किसी साथ है। क्या लगता है कि जिस तरह की अंकल बता रहे हैं मुल्जिमान के बारे में, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, क्यों उन्होंने मार दिया, कोई अपनी अदावत रखी हुई थी या सिर्फ उस टाइम गाड़ी हटाने के ऊपर वो? हाँ यही बात हुई है और कोई बात नहीं हुई, ना हमारा झगड़ा था, ना हमारी कोई लड़ाई थी, ना हमारी कोई दुश्मनी थी, हमें तो बाद में पता चला कि जैसे इसने किया है, लेकिन हमारी कोई दावत नहीं थी, इन्होंने जानबूझ के बदमाशी यहाँ पे वो करता था, ड्राइवर था, गोलियां बरसाता था, लोगों ने रोका भी था कि यहाँ पे गोली ना चलाया करो, पहले भी वो मुल्ज़िम ऐसी हरकतें करता था? हाँ जी, पहले कभी किसी ने रोका, किसी ने कोई? हाँ रोकते थे लोग, लेकिन वो नहीं रुकता था। कभी पुलिस को इतला दी हो, दरख्वास्त? ये नहीं मुझे पता। ये माइक पकड़, वो पुलिस को इतला दी थी एक दो दफा, फिर जब वो पहले हवाई फायरिंग वगैरह करते हैं सुलह हो गई, जब उन्होंने कहा आइंदा नहीं करेगा। वो कौन लोग हैं करते हैं? वो कसाई जो है ना, वो कहते थे आइंदा नहीं करेगा ये। नहीं, ये जो मुल्जिम है जिसने, वो बाट है, वो क्या करते हैं? ये भैंसों का ही कारोबार करते हैं इलाके में, दूध वगैरह बेचते हैं? नहीं, खरीदो फरोख्त करते हैं, भैंसे खरीद लीजिए। तो आप कह रहे हैं कुछ तो यहाँ के इलाका के लड़के हैं जो भैंसों का कारोबार करते हैं, बाकी इलाके से बाहर के मुलजिम वो भी इस इलाके में आके बैठते हैं उनके पास, या उनको बुलाया गया था स्पेशली? नहीं, उनके पास बैठते हैं अक्सर अक्सर छुट्टी के लिए, वो भी उस टाइम मौके पर मौजूद थे, और आपको लगता है कि आपके बेटे को बुलाया ही कत्ल करने के लिए? नहीं पता नहीं, अभी ये तो उनको पता है किसके लिए अजान सुलह करने के लिए बुलाया था या कत्ल करने के लिए बुलाया था।
आंटी, दो बच्चे अंकल बता रहे हैं और 5-6 साल पहले शादी हुई, बच्चों को पालना, बीवी जवान। 3 साल के बीते है, 4 साल के बीते, 5 साल भी शादी को हुई। कितना मुश्किल लगता है आपको? बहुत मुश्किल लगता है, मैं उसको देखती तो रोती हूँ जी, बच्चों को देखती हूँ, उसकी बीवी को देखती रोती हूँ। बच्चे आपसे पूछते होंगे कि उनका वालिद कहाँ गया? मुझे पूछते, कहते बाबा कहाँ है, मैं कह बाहर गए, अम्मी बाबा भी नहीं आए, मैं कह अभी नहीं आए, बाबा को ढूंढते हैं, अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं बाबा को ढूंढते हैं, उसकी गाड़ी देखते हैं, कपड़े देखते हैं, पूछते मामा बाबा कहाँ गए। तो बड़ी बेटी जो कहती है वो कहती है अल्लाह के पास, उसे पता नहीं, जब यहाँ हमारे घर में बातें होती है तो फिर पूछती है, बातें सुनती है। इस तरह के वाक्यात, ये तो जिस तरह से आपके बेटे को शहीद किया, इस तरह के वाक्यात इलाकों में बहुत ज़्यादा रोनमा होना शुरू हो गए हैं। आपका जवान साला बेटा इसी तरह के एक वाक्य में कत्ल कर दिया गया, क्या समझती हैं आप, कहाँ पे कमी कुताई है, परवरिश में कमी है माँ बाप की बच्चों की, कि वो बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे, या हमारे माशरे में बिगाड़ होता जा रहा है कि आपके बेटे जब से मदीना रियासत आया ना, इमरान खान की हुकूमत ऐसी हो रहा है, कत्ल गारती हो रही है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है नहीं जिसके साथ से ऐसा हो गया, क्योंकि वो तो घर से बाहर निकलता नहीं था, वो तो पता नहीं कैसे चला, ये मुझे नहीं पता चला। मैं तो बैठी उसका इंतज़ार कर रही कि घर आता है तो खाना खाते, सुबह हमने नाश्ता किया उसके साथ ही, जब शाम को आया घर तो 8 बजे ना मेरी बेटी यहाँ पर रहती रही घर, उसके घर गया, उधर से 8 बजे आया तो मुझे कहते मम्मी मैं अभी आया, आप रोटी बनाए, तो हम रोटी बना कर बैठे हुए हैं, तो मेरी बहू बाहर गई है तुबा पैंपर फेंक रही, तो वो कहती है मम्मी काशव नहीं आया ना, उसकी गाड़ी है, तो एक लड़का आया है, उसने कहा है कि भाभी ये मैर को बुलाए, मेरे देवर का बेटा है, उसको उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है मैर, कहते फिर भाभी वो काशव भाई कत्ल हो गए, वो नंगे पाँव सब में नंगी से भाग गई है गौस गाने बाहर गई, वहाँ पर उसने जाकर देखा वो 3 थी, हमारे मोहल्ले के एक लड़के ने उसके ऊपर ना चादर दिए, कहते भाभी आप चादर तो ले लें, तो साथ में देवर का बेटा था बेटी थी, वो तीनों वहाँ पर गई, काशिफ लेटा हुआ था, उसे पता ही नहीं था, मुर्जम भाग गए थे, डाला खड़ा हुआ था, कोई आगे नहीं हो रहा था, फिर पुलिस आई, उन्होंने देखा, मौका देखा, हर चीज़ देखी है, फिर 2.5 घंटे बाद उन्होंने लाश उठाई। भाजी आप बताइएगा कि भाई के साथ आपका ताल्लुक कैसा था? क्या भाई, मेरे भाई बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, नेक इंसान थे, हमेशा आते थे हमारे घर में, आते थे 1 हफ्ते में 2-3 चक्कर ज़रूर लगाते थे, सर पे प्यार दे के, बहना ऐसे कह रहे, बहना ऐसे बच्चों की स्टडी की तरफ तवज्जा दिया करो, यानी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले थे, केयरिंग थे, बहुत केयरिंग थे। तो लास्ट टाइम आपके घर ही चक्कर लगा के? नहीं, मेरी छोटी सिस्टर है उनकी तरफ गए थे, तो हमारे घर में आना जाना था, लेकिन वो मैं मुगलपुरा में शादी हुई है ना, तो वो वहीं से आते थे, तो रास्ते में यानी कि लाजमी आते थे, प्यार वगैरह सर पे दे के फिर जाते थे। तो अब मैं ये हैरान हो रही हूँ कि इतने दिन हो गए हैं उसके कत्ल को, लेकिन उसके कातिल का पता नहीं चल रहा, क्यों नहीं पता चल रहा? इतनी बड़ी फोर्स है, ट्रैफिक वार्डन की इतनी बड़ी फोर्स है, पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स है, इतने मर्द हैं, लेकिन वो एक लड़का नहीं मिल रहा आपको, क्यों नहीं मिल रहा? पूछना चाहिए उनसे जाके कि क्यों नहीं मिल रहा वो, शायद उनके पीछे सभी तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई यानी तवज्जा नहीं इसका मतलब वो दे रहे इस चीज़। भाई इस बात के ऊपर आप क्या कहेंगी कि आपका भाई पुलिस का हिस्सा है और उसको इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, तो आम शख्स का तो फिर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इस तरह से वेपन्स वगैरह इनके घरों से मिलना ये अच्छी बात नहीं है। बताया जा रहा है कि इलाके में CCTV कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं, उसके अंदर भी मुल्जिमान के चेहरे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने खुद देखा तो यही है। क्या कहेंगी अपने भाई के कत्ल के ऊपर और मुल्जिमान के ना गिरफ्तार होने पर? भाई यही कहूँगी कि उसको जिस तरह से मेरे भाई को मारा गया ना, कत्ल किया गया ना, बस उसको इसी तरह से कत्ल करना चाहिए। माँ जी आपको इंसाफ की उम्मीद है जैसे आप बता रही हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, उम्मीद है आपको कि इंसाफ मिलेगी जैसे बाजी कह रही है? मुझे नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? वजह ये है कि पुलिस इस तरह तावड़ नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस का अपना बंदा शहीद हुआ है, तो आप कह रही हैं कि पुलिस तावड़ नहीं कर रही? तावड़ कर रही, लेकिन उसको बंदे को नहीं पकड़े, 15 दिन हो जाने इस हफ्ते को,
बतावनी बिखाड़ी उनको पकड़नी चाहिए। तो इन हालात में आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आपको, आपके बेटे के कातिल पकड़े जाएंगे? मुलजिमान तो अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो उनके तो हौसले और बुलंद होंगे। हाँ जी ऐसे ही होगा, फिर और भी लोगों को मारेंगे वो, काश को मार दे और भी आएंगे तो आप उनको भी ऐसे टकरा करेंगे। तो मुझे तो इंसाफ चाहिए पुलिस से, सीटों से इंसाफ चाहिए कि मेरे बेटे के कत्ल पकड़ने चाहिए, उनको मारें, मेरे सामने ला कर मारें। अफसरान ने आपसे रब्ता किया बेटे के कत्ल होने के बाद और क्या कहा उन्होंने? मुझे नहीं पता जी। अफसरान ने रब्ता किया है, उन्होंने सीडीओ साहब भी आए थे, सारे अफसर आए हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, पूरी महकमा जो है ना वो तामन कर रहा है, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस वो पकड़े नहीं गए मुजरिम, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है क्या बात। सही, बहुत शुक्रिया। आप मकतूल काशिफ अमीन के वर्सा की गुफ्तगू सुन रहे थे। पुलिस वार्डन को अगर मुलजमान इतनी दीदा दिलेरी के साथ सरे बाजार कत्ल कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आम शहरी के लिए लाहौर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है उसके अंदर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा। ऊपर से आपने उनके बुरसा की गुफ्तगू सुनी कि दो हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक मुलजमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें कर रही है? सीटीओ लाहौर इस हवाले से क्या मौक़ रखते हैं कि उनकी फोर्स का सिपाही जो है उसको बाजार में बगैर किसी दावत के बगैर किसी रंजिश के कत्ल कर दिया गया, उन्होंने क्या इकदाम उठाए हैं और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है और इस तरह के वाक़ियात क्यों कर रुनुमा हो रहे हैं, इस मामले का सिला जानते हैं। आपने ट्रैफिक वार्डन काशिफ अमीन के वर्सा की गुफ्तगू सुनी और उनका गम और जो कर्ब है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उनका इकलौता बेटा था और तीन उनकी बेटियां हैं और वो कहते हैं कि उनका जहान जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी, जैसे ही उनको इतला मिली थी कि इस तरह से वार्डन को गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया, वो खुद मौके पर पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ जो ज़रूरी इकदाम थे वो उठाए थे बल्कि इसको तफ्तीश को भी वो चेक करते रहे हैं, गए बगैर उसकी इन्फॉर्मेशन लेते रहे। वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई वाक़ रोनुमा होता है तो उसके अंदर क्या महकमे की तरफ से किया जाता है शहीद की फैमिली के लिए, शहीद के लिए, और अभी करंटली क्या स्टेटस है। मुंतज़िर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इब्तदाई तौर पर जब ये इतला मिली तो आप भी फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे और यही आपकी तरफ आपकी जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर यही कहा गया था कि नामालूम वजूहात की वजह से काशिफ को कत्ल कर दिया गया। बुरसा कहते हैं कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, उसने सिर्फ मोहल्लेदार को ये कहा था कि गाड़ी हटा ले। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और अब तक इस केस पर क्या हो सका है? देखिए, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो बिल्कुल हम ब्लाइंड थे और हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ और किस तरह से हुआ। हम फौरी तौर पे मौके पे गए तो हार्डली कोई 10-15 मिनट वहाँ पे गुजारने के बाद हमें पता चल गया था कि एक्चुअली वहाँ पे क्या वाक़ पेश आया। एक्चुअली ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि कोई बहुत कोई लंबी चौड़ी सी दखल नहीं थी, तो बहुत बड़ी कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ एक इतना सा इशू था कि एक गाड़ी थी, उस पर कुछ जानवर लोड थे और उसने इसके रास्ता रोक रखा था इसे घर से निकलने का, और इसने उनको यही कहा था कि मुझे रास्ता दे दें। उसे रास्ता दे तो दिया लेकिन फिर उसको फॉलो करके और उसको गोलियां मारते मार दिया। हमारे बेसिकली करने के दो काम थे वहाँ पे, एक तो ये था कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि जो वाकया हो गया है उसके बाद इंसाफ की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। एक हमारी फ़ोर्स का मेंबर था और मैं ये बता दूँ कि मेरे साथ वो 6 महीने तकरीबन मेरा इंचार्ज कंप्लेंट चल रहा था और उस 6 महीने में मैंने देखा कि वो इंतहाई नफीस बच्चा था, उसने इंतहाई पढ़ा लिखा था, गैर ज़रूरी बात बिल्कुल नहीं करता था और लड़ने का तो उसके अंदर वो मादा था ही नहीं, बहुत तमीज़दार था, बहुत मेहनत बच्चा था। एक तो हमने तमाम लाहौर के जो ऑफिसर्स थे ऑपरेशंस के इन्वेस्टिगेशन के, वो तमाम मौके पर पहुँचे और उनमें जो ज़रूरी काम करने वाले थे वहाँ पर वो किए। हमारा रोल थोड़ा सा फ़र्क था कि हमने तमाम तर जो वेलफेयर के आस्पेक्ट से उनको देखना था, हमने वालदेन को ये यकीन दहानी करानी थी कि अगर उनका एक बच्चा इस दुनिया से गया है तो हम सब उसकी जगह पे
उनके साथ खड़े थे इस गम की घड़ी में। तो हमने तमाम तर इंतजाम जो थे, चाहे वो किसी भी हवाले से, वो हमने वहाँ पे किए। और उसके बाद हम मुसलसल ये जो हमारे लोग थे जो तफ्तीश कर रहे थे, और मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम लाहौर पुलिस को, कि उन्होंने बहुत मेहनत की इस केस के अंदर और हर जाविये से इसकी तफ्तीश की। तमाम तर मामला जो थे बड़े अच्छे तरीके से हुए। हमें किसी भी स्टेज के ऊपर फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुद हमें इन्फॉर्म रखा सारे ऑफिसर्स ने, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन, और CIA का रोल उसमें बड़ा काबिल तारीफ है कि उन्होंने इस केस को खुसूसी तौर पर तवज्जो दी। अब जो लाहकिन के साथ हमारे मामलात हैं वो हमारे चल रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पे उनको यकीन दहानी भी कराए हुए हैं कि इंसाफ मिलेगा, और ये भी यकीन दहानी कराए हुए हैं कि जो महकमे की तरफ उसका हक बनता है, उस हक से बढ़ के हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि उनको इमोशनली तो ज़ाहिर है जो बच्चे की तकलीफ है वो तो है, बाकी किसी इशू में उनको किसी प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी पुलिस अहलकार के साथ इस तरह का वाकया पेश आता है जिस तरह का काशिफ के साथ आया, तो उसको शहीद डिक्लेयर किया जाता है या किस उसको केटर में एंटरटेन किया जाता है, और किस तरह से महकमा जो है उसकी, क्योंकि वो बताते हैं कि शादी को 5 साल हुए थे, 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी टेक केयर के लिए क्या इकदाम उठाए जाते हैं? देखिए, ये तो हम केस बना के भेजेंगे IG ऑफिस में, और वहाँ पे एक कमेटी है जो डिक्लेयर करती है। जो फिल वक्त नज़र आ रहा है वो इन सर्विस डेथ का मैटर है और एक्सीडेंटल डेथ का मैटर है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि शहीद की किस कैटेगरी में उसको डेटर फॉर करना है। जो हमारे जिम्मे काम था वो ये था कि हम मुकम्मल तौर पर तजीज़ तकसीम का मामला को देखें, जो बच्चों की तालीम और तरबियत है उसके बारे में देखें, जो उसकी तनख्वाह है वो हर महीने उस पर पहुँचती रहे, और जो घर में एलिजिबल है नौकरी करने के, वो उनकी बेगम है या कल को बच्चा बड़ा होता है तो उसको नौकरी मिलनी है, वो सारा कुछ करें। सरकार की तरफ से जो कंपनसेशन मिलनी है वो टाइम पे मिले, वो तमाम केसेस हमने पिकअप कर लिए हुए हैं सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उन सब के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। बाकी ये कि हम इन कांटेक्ट हैं उनके लाहकिन से, उनकी जो भी डे टू डे भी ज़रूरतें हैं उनका भी हम ख्याल रखते हैं, और इंशाल्लाह हम हमारा मैकेनिज्म जो CTPL का है वो इस किस्म का है कि इस किस्म के मामलों में हम फैमिलीज़ के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं, और कोई भी इशू होता है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। मुनीर साहब, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि आप लाहौर में डिविजनल SP भी रहे, SSP ऑपरेशन भी आप रहे, मोहल्ले में सबको ये मालूम है कि वो फोर्स का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो मामला ख़त्म हो गया, वो घर गया, उसको घर से फ़ोन करके वापस बुलाया गया और फिर घेरा डाल के फायरिंग करके उसको कत्ल किया गया, कहाँ पे कमियाँ रह गई हैं कि एक मोहल्लेदार फोर्स के ऊपर फायरिंग, यानी फोर्स के जवान के ऊपर फायरिंग करते हुए निकल आया और एक दो गोलियाँ नहीं मुतद्दिद गोलियाँ मारी गई और बाकायदा उसने अपना एग्रेशन शो किया, सर में गोलियाँ मारी, सीने में गोलियाँ मारी, कहाँ पर कमी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में शायद बर्दाश्त की कमी होती चली जा रही है, और दूसरा जो अहम इशू जो हमारे नोटिस में आया है इसमें, वो ये है कि शायद डीवेपनाइजेशन की बहुत बड़ी कंपेन लॉन्च करने की ज़रूरत है लाहौर में। वेपन की अवेलेबिलिटी में बेसिकली हमारे जो आम स्ट्रीट स्कफर्स हैं, आम स्ट्रीट के ऊपर जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं उनको वायलेंट कर दिया हुआ, तो ये रियलाइजेशन बाहर है हर लेवल के ऊपर कि हमें डीवेपनाइजेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वो सिर्फ उसके अंदर वायलेंस का आंसर ना आए। यही चीज़ है, बाकी जो ये जिसने ये सारा कुछ किया वो उसका महल्लेदार नहीं था, महल्ले में उसका आना जाना था उन मवेशियों की डिलीवरी के सिलसिले में, तो महल्ले वाले तो सारे बेचारे साथ ही खड़े थे हमारे, और उन्होंने ही जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है सारी वो महल्लेदारों से ही हमें मिली थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि एक्चुअली वाकया हुआ क्या। बहुत शुक्रिया। CTO लाहौर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, और उनका कहना है कि वार्डन की फैमिली की फलाह के लिए तमाम इकदाम जो है उठाए जा रहे हैं। इन्होंने एक चीज़ के ऊपर जो तवज्जो दिलवाई है कि एक तो हमारे अदम बर्दाश्त माशरे से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और दूसरा असलहे का इस्तेमाल, कई प्रोग्राम्स में हमने ये बात की है कि असलहा जो है वो लाहौर में बेदरेक उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और मामूली सी तल्ख कलामी पर भी असलहा जब निकाल लिया जाता है जिसकी वजह से
बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है। गुज़िश्ता आदवार के अंदर बहुत बड़ी लेवल के ऊपर कैंपेन्स की गई कि असलहे से पाक लाहौर को किया जा सके और नाजायज़ असलहा जो है उसके खिलाफ भी कैंपेन की जाती रही है। और जो गाड़ियों के पीछे एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ था कि गार्ड जो थे वो असलहा लेके फिरते थे, उनको भी रोका गया था, लेकिन अब दोबारा से ये ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है और इस ट्रेंड की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बेमौत मारे जाते हैं। तीन बहनों का इकलौता भाई कत्ल हो गया, दो बच्चे पीछे वो छोड़ गया। महकमा जो कर रहा है लेकिन स्टेट को भी ऐसे मामलात में अपनी इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है और ऐसे शहरी जो वल्नरेबल होते जा रहे हैं डाकुओं या बदमाशों के हाथों में, उनको तहफ़ फ्राहम करने की ज़रूरत है। आपने मकतूल ट्रैफिक वार्डन के बुरसा की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यही है कि बेशक उनका बेटा पुलिस महकमे का था और पुलिस अपने तौर पर इकदाम भी कर रही है कि मुलजमान को गिरफ़्तार कर सके, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे के महकमे से नाला नजर आए। और जो अलार्मिंग चीज़ थी उनका ये कहना था कि उनके बेटे को उनके घर से चंद फुट की दूरी के ऊपर कत्ल कर दिया गया और कोई वजह नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। और मुलजमान जो हैं वो भैंसों का कारोबार करते हैं और इलाके के ही रहने वाले, और उनके दोस्त जो जल्लों के करीब रहने वाले हैं उन सारों ने मिल के बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। क्या किसी को बग़ैर वजह के कत्ल किया जा सकता है? और क्या मामूली सी बात के गाड़ी हटाने पे इस हद तक कोई शख्स गुस्से में आ सकता है कि किसी की जान ले ले, और जबकि उसको ये मालूम हो कि जिसकी वो जान ले रहा है वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि पुलिस अफसर है, पुलिस अहलकार है। हमारे साथ हमारे नफ्सियात सैरिश नूर मौजूद हैं, इनसे इन सवालों के जवाब लेते हैं। सैरिश, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा, किसी की जान लेना एक इंसान के लिए आसान काम है? बिल्कुल, किसी की जान लेना जो है वो आसान नहीं होता, और कोई भी नॉर्मल इंसान, आपके हमारे जैसा इंसान जो स्टेबल है, जो बातों को समझता है, जो चीज़ों की रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, जो मसले जो पेश आते हैं उनका सामना कर सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है, वो ऐसे ही किसी की भी जान नहीं ले लेगा। वो हमेशा पहले सोचेगा, हज़ार बार सोचेगा, कभी भी किसी की जान लेना किसी भी मसले का हल, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, हल नहीं हो सकता। तो जो इंसान किसी की जान ले, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि उसने एक नॉर्मल एक्ट किया, या वो इंसान अपने सेंसेस में है, या उसको ख़ुद भी बाद में फील होता रहा हो कि हाँ मैंने सही किया। अगर ऐसा है तो वो इंसान की ज़हनी हालत पे, उसके सोचने के अंदाज पे, या उसकी ब्रॉटअप पे हमें शक करना पड़ेगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई मसला मौजूद है जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। सहरिश, अमूमी तौर पे देखने में आता है कि इलाकों में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है या ऐसा ग्रोह ज़रूर होता है जो इलाके में अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी इस हद तक नहीं जाते, मार कुटाई और तशद्दुद तक रहते हैं। इनके बारे में भी मकतूल के मुर्सा कहते हैं कि ये इलाके में इस किस्म की हवाई फायरिंग वगैरह करते रहते हैं, तो आप बतौर माहिर नफ्सियात क्या समझती हैं कि सिर्फ उन्होंने इसको एक एग्जांपल बनाया है कि हम इस हद तक जा सकते हैं, या उस टाइम स्पर ऑफ द मोमेंट वो इतने ज़्यादा तैश में आगे उन्होंने कत्ल कर दिया? देखिए, एक जो पर्सनैलिटीज एक होती हैं, हम देखते हैं अक्सर जगहों पे कि जो फायरिंग करना, हवाई फायरिंग करना है, किसी को भी डराने की कोशिश करना, ये अगर हम सिर्फ इसको देखें तो ये अक्सर वो लोग करते हैं जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, यानी कि उनको खुद की एबिलिटीज़ पे, अपने आप की ज़ात पे शक होता है, उनको लगता है कि शायद हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है और लोग हमें एडमायर नहीं कर रहे, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा। तो वो इसको, इस तरह के वेज को एक तरीका बनाते हैं कि लोग हमें देखें, हमें एडमायर करें, या हमसे डरें, मतलब डरेंगे तो एटलीस्ट हमें नोटिस करेंगे। इस तरह से उनको अपनी सेल्फ इस्टीम बेहतर महसूस होती है। ये अक्सर आप तो लोग सोचते हैं कि शायद इसकी सेल्फ इस्टीम ज़्यादा है तो ये बूस्ट कर रहा है बहुत कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। जिसकी ओवर द टाइम जो है सेल्फ इस्टीम सही डेवलप नहीं हुई होती, उनको उनकी फैमिली से, उनके लाइफ पार्टनर से या आसपास से उस तरह से लेवल्स का नहीं मिला होता, रिस्पेक्ट या एडमायरेशन, एक्सेप्टेंस जो वो चाहते हैं, जिसको वो इस तरह के गलत वे से फिर हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आम तौर पे जो हवाई फायरिंग तक है, या किसी को कुछ कह देना, किसी को वर्बली लड़ना, ये सब कुछ उसके अंडर आता है। लेकिन जब बात की जाए कत्ल कर देने की, तो सिर्फ कत्ल कर देना लो सेल्फ इस्टीम की वजह से या इस वजह से नहीं होगा। आमतौर पे इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, यानी कि एक शख्स की फ्रस्ट्रेशन या कोई भी हालात जो उसकी पसंद के नहीं हैं,
या एकदम से कोई भी चैलेंज, कोई भी चीज़ सामने आए जो वो सोल्व नहीं कर सकता, तो वो एकदम घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ। तो हमारी एज अ सोसाइटी भी हमारे अंदर टॉलरेंस का लेवल उतना अच्छा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है उसकी वजह से लोग इस तरह के या बिल्कुल एकदम से रैंडम स्टेप्स ले लेते हैं। तो जिस इंसान ने ये किया उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो है फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम थी। फिर हम बात करें कैसा होता क्यों है, किसी की फ्रस्ट्रेशन की टॉलरेंस बर्दाश्त कम क्यों होती है, तो उसके आगे भी मल्टीपल वजह हो सकती हैं। एक वजह जो हो सकती है वो है कि हो सकता है कि मेंटल इलनेस है। अक्सर मेंटल इलनेस इग्नोर की जाती हैं, घर में कोई इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि सिम्टम्स होती हैं छोटी छोटी ऐसे कर रहा है, इसकी थोड़ा गुस्से वाला है, ये जल्दी परेशान हो जाता है, जल्दी घबरा जाता है, ये थोड़ा सा हमारा ज़िद्दी बच्चा है, इस तरह की बातें कहकर इग्नोर कर देते हैं। तो इसके सिम्टम्स होती हैं छोटी छोटी, कि जो इंसान छोटे छोटे खाने जैसे खाना पकाए, खाना उसको पसंद नहीं आया तो उल्टा देगा, छोटी सी बात घर पे हुई है तो उस पर एक्स्ट्रा ओवर रिएक्ट करेगा, कोई छोटा सा मसला आ गया और हम ये चीजें घरों में बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो उसका नुकसान फिर मुआशरे को इस तरह से भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। बिल्कुल इस तरह। अब ये कहना चाह रहे हैं उसके आसपास जो भी लोग हैं जो उसे इंटरेक्ट करते हैं उसकी ऑफिस में। अच्छा सर, कथा कला में बतौर माहिर नफ्सियात इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम हमेशा अपने से कमज़ोर के ऊपर जो है वो अपनी जारदारी कायम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा उल्ट हुआ है। वो ट्रैफिक वार्डन था, पुलिस अफसर था, उनको ये मालूम है कि अगर वो इसको नुकसान पहुँचाएंगे तो उनको नुकसान पहुँचेगा, उसके बावजूद भी उन्होंने ट्रैफिक वार्डन को सरे बाजार और अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दी। एक दो गोलियाँ नहीं मारी, मुतद्दिद गोलियाँ मारी। देखिए इससे हमें उसकी ज़हनी कैफियत पे शक नहीं है, कई हैं ये, कई मुलजिम हैं, कई मुलजिम। ठीक है, एक तो ये थी कि ऐसा ग्रुप उन्होंने किया है, उस ग्रुप का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आपस में लोगों का माइंडसेट आपस में मिलता जुलता होगा, एक ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं वही ग्रुप बनाते हैं। तो जो है छोटा मोटा होता कि उसको मारते से फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, वर्बली अब्यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ तो हमें ये शक ना होता कि शायद वो नॉर्मल नहीं थे। ये बात नॉर्मल लेवल से ज़्यादा की थी कि या तो उनमें उन्होंने उसको ऐसा ले लिया था चैलेंज कि उसने हमारे साथ ऐसा कैसे किया। मेन हो सकता है कोई मेन एक हो और बाकी उसको थोड़ा सा प्रमोट करने वाले, थोड़ा उभारने वाले, गुस्सा इंस्टिगेट करते रहे कि यार ये इस तरह के जो हैं ग्रुप के पार्ट बाकी लोग ऐसे हों। मेन जो बंदा है इसको गुस्सा होगा या वो एक ही होगा, इसको कहा गया कि शायद तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई है, उसे तुम्हें कैसे कह दिया ऐसे। या फिर सेकेंड जो हो सकता है कि उसने शोहरत के लिए या प्रोमिनेंट होने के लिए, अल्टीमेटली तो उसको नुकसान होना है, शोहरत कुछ लोग इस हद तक जाते हैं, कुछ लोगों की ईगो इस हद तक बैलेंस में नहीं होती। ईगो बेसिकली बैलेंस क्रिएट करती है हमारा कि हम किस तरह से अपनी पूरी करते हैं। तो जिनकी ईगो बिल्कुल ही बैलेंस नहीं कर पाती, हर्ट हो चुकी होती है, जो है वो डैमेज होती है, तो वो फिर नहीं सोच पाते प्रॉपर वे में, उनका थॉट पैटर्न इतना क्लियर नहीं होता कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे लॉन्ग टर्म। लास्टली ये बताइएगा, एक ट्रैफिक वार्डन जिसके बच्चों ने अपने बाप को पुलिस ने देखा कि वो आवाम को सर्व कर रहा है और उसको यूँ इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, उन बच्चों का क्या माइंडसेट डेवलप होगा, वो क्या कभी हमारे महकमे के ऊपर और हमारी सोसाइटी के ऊपर एतबार कर पाएंगे कि हमारा बाप जो खुद आवाम के लिए काम करता था उसको बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया गया। देखिए पुलिस को तो हम ओवरऑल एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ सिक्योरिटी लेते हैं, तो जब उन्हीं पे हमला किया जाए तो सिर्फ उनके बच्चों के लिए नहीं है, सोसाइटी हम थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं कि अगर हमारी पुलिस खुद ही सिक्योर नहीं है तो वो किसी और को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगी। तो जब उनके बच्चे ही देखेंगे तो जाहिर है वो मेंटल कंफ्यूजन का, फ्रस्ट्रेशन का, एग्रेशन का शिकार होंगे। ऐसे ही बच्चे फ्यूचर में जाके डिफरेंट किस्म के मसलों में उलझ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि इनकी मेजर वजह क्या बनती हैं, जो लोग ऐसा करते हैं या क्या उस वक्त बातें क्या हुई थी ऐसा जिस पर सतना गुस्सा दिलाया गया उनको। तो इनके छोटी छोटी सिम्टम्स को पकड़ लेना शुरू में ही, बजाय कि वो इतना बड़ा वाक्या पेश आए और फिर एज सोसाइटी हम घबरा जाते हैं कि क्या यहाँ पे कोई भी बाप या कोई भी बच्चा सिक्योर है। तो अगर हम बिल्कुल रूट लेवल पे काम करें और घर का माहौल इतना सेफ बनाएं, जो परवरिश इतनी अच्छी की जाए बच्चों की, उनको नॉर्म्स वैल्यूज़ जो पहले हुआ करती थी वो उस तरह से सिखाई जाएँ,
तो शायद इस तरह के जो वाकयात बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन कम हो, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. तो ये कम करने के लिए एज सोसाइटी हमें काम करना पड़ेगा. कोई भी एक जिम्मेदार भी नहीं है, कोई एक उसको बेहतर भी नहीं कर सकता. बहुत शुक्रिया. हमारे नफ्सियात सैरिश नूर की आपने गुफ्तगू सुनी. इससे पहले हमने सीटीओ लाहौर से बात की तो उनका कहना था कि उनके जो ट्रैफिक वार्डन के शहीद ट्रैफिक वार्डन के वालदैन हैं वो अकेले नहीं हैं बल्कि पूरी फोर्स उनके साथ खड़ी है और वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हर तरह से लुकाफर की जाए, उनको नौकरी देनी पड़े या उनके बच्चों की कफालत हो, किस तरह से भी हर तरह से वो उनके साथ हैं और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं. और चंद मुलजमान की गिरफ्तारी के मुतल ये बताया जाता है कि उनको शायद पुलिस उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है या उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी को डिक्लेयर नहीं किया. लेकिन इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे माशरे में बढ़ती हुई इजारादारी कायम करने की हिर्स, अपना अदम बर्दाश्त, ये इस हद तक बढ़ती जा रही हैं कि मुलजमान को ये मालूम था कि वो पुलिस अहलकार है, पुलिस अफसर है और उसको अगर नुकसान पहुँचाएंगे तो अल्टीमेटली वो पकड़े जाएंगे और कैफर करदार तक पहुँचेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया. इस हवाले से मकतूल की वालदा का कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, गो कि वो पुलिस महकमे से नाला न दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ख्वाहिश है कि उनके बेटे के कातिलों को पकड़ के उसी तरह सजा दी जाए जिस तरह से उनके बेटे को नाहक सरे बाजार कत्ल किया गया है. और आपने माहिर नफ्सियात की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ये अफराद जो हैं ये सिर्फ अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सारा कुछ कर गुजरे होंगे और उनको शायद ये मालूम भी हो कि अल्टीमेटली उनको नुकसान पहुंचना है, लेकिन वो वक्ती तौर पे अपनी अना की तस्कीन के लिए ये कर बैठे, हालांकि सिर्फ गाड़ी हटाने से ये तनाज़ा शुरू हुआ था. उम्मीद यही करते हैं कि ट्रैफिक वार्डन के कातिल जल्द से जल्द गिरफ़्तार हो सकें और जो उनके वालदैन जिस तरह की इंसाफ की ख्वाहिश रखते हैं वो इंसाफ उनको मिल सके. आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए. अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी. अल्लाह ने जुबान.